अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग। दोस्तों आज हमारी फिफ्थ क्लास है YouTube चैनल से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम न्यू यूट्यूबर्स के लिए कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे लें और 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पैदा करें। बिल्कुल जाहिर है हर न्यू यूट्यूबर के लिए यही सबसे बड़ा पहला चैलेंज होता है। तो इसके लिए जो अच्छा लीगल और आसान तरीका है वो आपको बताने जा रहा हूं, आप उस तरीके को फॉलो करें। मैं बहुत 120% श्योर हूं इस मामले में कि अगर आप इस तरीके को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अगर आप टाइम ले लेते हैं ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट और आपका सब्सक्राइबर 1000 क्या 10000 हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये बातें फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, और इनके ऊपर सिर्फ इनको देखना नहीं है, इनके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का और अपना टाइम जाया करने का। तो चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको अपने चैनल से प्रूफ दिखाता हूँ और टेक्निक्स बताता हूँ जो मैंने यूज की, जिससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, जिससे मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। वो सारी टेक्निक्स बताता हूँ आपको और वो सारी वीडियोस भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से किन वीडियोस के ऊपर टेक्निक्स यूज की और कितना मुझे वॉच टाइम मिला वहां से। यही काम आप लोग अपनी वीडियो पे करें तो आपको भी उतना मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक भी पहुंच जाए, और कंप्लीट प्रोसीजर देखने के लिए आखिर तक देखिएगा। चलते हैं लैपटॉप की तरफ। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये मेरी वीडियोस हैं दोस्तों। अब इसमें जो छुपा हुआ राज है, जो काम की बात है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जरा गौर से देखिएगा इसको, जरा गौर से समझिएगा। ये देखें दोस्तों, ये वीडियो है 7 मिनट की, कितनी 7 मिनट की, और इसके ऊपर कितने व्यूज हैं, टोटल 5000। ये 9 मिनट की, इस पे भी 5000, ये भी 9 मिनट की, इस पे 2000। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आते जाएं, ये 5 मिनट की, लेकिन ये देखें जो जो छोटी वीडियो होगी उसके ऊपर व्यूज हमेशा कम होंगे, 2000। ये 9 मिनट की है तो 45000, ये 2 मिनट की है तो 215, 4 मिनट की है तो थोड़ी सी बढ़ गए, फिर उसके बाद ये 4 मिनट की फिर घट गए। लेकिन थोड़ा सा गौर करें, आई एम सॉरी, ये 5 मिनट की है तो इस पे 3000, ये 7 मिनट की है तो इस पे 7000। ये क्या वजह है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जैसे आप अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ये देखें ये 11 मिनट की है, इसके ऊपर 2,04,000। जैसे जैसे आप अपने वीडियो की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसके इम्प्रेशन ज्यादा होंगे। अब इम्प्रेशन क्या होते हैं? इम्प्रेशन ये होते हैं दोस्तों, ये हम यूट्यूब पे जब आते हैं, ये सारे जो चैनल आपको नजर आ रहे हैं ये मैंने सब्सक्राइब नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी मुझे इनकी वीडियोस शो हो रही हैं, तो ये एक इम्प्रेशन हो गया, ठीक है। अब जाहिर है आपको सामने जो चीज नजर आती है आप उसी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये एक इम्प्रेशन हो गया। तो जो लंबी वीडियो होती है ना दोस्तों, हमेशा उसके इम्प्रेशन ज्यादा होते हैं। कैसे ज्यादा होते हैं अभी देखा देता हूँ आपको। जब इम्प्रेशन ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर क्लिक्स भी ज्यादा होंगी, जब क्लिक ज्यादा होंगे तो व्यूज भी ज्यादा आएंगे। कैसे ज्यादा होते हैं अभी आपको लाइव सबूत के साथ दिखाता हूँ। ये 10 मिनट की वीडियो है, इसके एनालिटिक्स में मैं गया, यहाँ पे एनालिटिक्स थे, इसकी मैं रीच में गया, जब रीच में गया तो इसके जरा इम्प्रेशन चेक करें, 3.4 मिलियन, ओके, 3 लाख, सॉरी 30 लाख, 34 लाख इसके जो थे इम्प्रेशंस थे, और व्यूज कितने आए, टोटल 2,34,000 समथिंग, ठीक है। तो इतने इम्प्रेशन होंगे तो 2 लाख आपके व्यूज आए, 34 लाख इम्प्रेशन थे, 34 लाख में थे 2 लाख व्यूज आए, ओके हो गया। अब हम जरा किसी छोटी वीडियो को देखते हैं, छोटी वीडियो का क्या हिसाब है। छोटी वीडियो का भी दोस्तों बिल्कुल यही हिसाब है, यहां पे आए आप जरा किसी छोटी वीडियो को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मिनट की वीडियो है, तो इसके जरा इम्प्रेशन देखते हैं, इसकी जरा रीच देखते हैं, टोटल 22,000 इसके इम्प्रेशन, क्योंकि टोटल 5 मिनट की वीडियो है, समझ आई दोस्तों। अब फिर किसी बड़ी लंबी वीडियो की तरफ चलते हैं जो इससे थोड़ी सी बड़ी हो, ये 5 मिनट की थी ना, अब किसी 7 मिनट वाली वीडियो के ऊपर चलते हैं। 7 मिनट वाली वीडियो हमें क्या कहती है,
जहाँ से दोबारा हम गए अपनी वीडियोस के अंदर। वीडियोस में जाके हमने कोई HSC वाली उठा लेती। ये 7 मिनट की वीडियो है, इसके जरा इम्प्रेशन देखते हैं। 7,000 व्यूज हैं और इसके ऊपर देखें 83,000 इम्प्रेशन हैं। ठीक है, 83,000 इम्प्रेशन है और 7,000 व्यूज हैं। तो बात करने का मकसद क्या था? असल बात करने का मकसद ये था कि दोस्तों जितनी हो सके लंबी वीडियो बनाएं। 10 मिनट से ऊपर आप वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको श्योर कहता हूं कि आपकी वीडियोस के ऊपर जल्दी से जल्दी व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके इम्प्रेशन ज्यादा होंगे। और मजे की बात, जैसे जैसे आपकी वीडियो लंबी है, 10 मिनट की है, अगर कोई आधी देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 4 मिनट देखता है, कोई पूरी भी देख लेता है, आपके जो वॉच टाइम है वो इतना रैपिडली ग्रो करेगा, इतना स्पीड में ग्रो करेगा कि आप लोगों की सोच है। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे आपके व्यूज आते जाएंगे वैसे वैसे साथ सब्सक्राइबर आते जाएंगे, और आपका 4,000 वॉच टाइम जब कंप्लीट होगा तो आपके 1,000 क्या आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था दोस्तों तो मेरे उस वक्त 28,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो सब्सक्राइबर की टेंशन नहीं लेनी, वॉच टाइम की टेंशन लेनी है। और वॉच टाइम की भी टेंशन नहीं लेनी, आप 12 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाएं, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, इससे ऊपर की वीडियोस बनाएं और डेली वीडियो बनाएं। एक कंसिस्टेंसी रखें, आपको खाने के लिए रोटी मिले ना मिले यूट्यूब पर वीडियो लाजमी डालनी है। समझ आई दोस्तों? अपने लिए अपने बैकअप पे जब आपको टाइम मिले 4-5 वीडियोस बना के रख लें। हो सकता है किसी दिन इमरजेंसी हो जाती है, आप वीडियो अपलोड नहीं वीडियो नहीं बना पाते, तो बैकअप में से एक वीडियो उठा के आप अपलोड कर दें। आपकी वीडियो का टाइम मिस ना हो। जिस दिन आप आपकी वीडियो का टाइम मिस हो गया उस दिन समझे कि आप एक स्टेप पीछे चले गए। एक कंसिस्टेंसी रखें। कंसिस्टेंसी रखने के बाद ये देखें अब इसके ऊपर मुझे वॉच टाइम कितना मिला। फॉर एग्जाम्पल एक लंबी वीडियो का वॉच टाइम आपको दिखा देता हूँ कि मुझे उस वीडियो के ऊपर कितना वॉच टाइम मिला। आपके सामने क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सारा कुछ कि एक वीडियो ही आपका सारा जो है वो कोरम पूरा कर देती है। यहां से हम आते हैं, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको जो मैंने सबसे जो मैंने शुरू में एक लंबी वीडियो अपलोड की थी, यहां पे पड़ी आई थिंक ये। तो इसका मैं आपको वॉच टाइम दिखाता हूँ, पिछले 90 दिनों का जरा वॉच टाइम देख लें इसका। पिछले 90 दिनों का दोस्तों इसका वॉच टाइम देखें आप, 12,000 घंटे। और चाहिए कितना होता है दोस्तों? 4,000 घंटे। और मेरा इसके ऊपर 12,000 घंटे आ चुका है। समझ आई दोस्तों? ये है असल वजह कि आप, क्योंकि इसके इंप्रेशन आपको दिखाऊं कितने हैं, इसके इंप्रेशन देखें 3.3 मिलियन, नॉट अ जोक। ठीक है दोस्तों, 3.3 मिलियन इसके जो हैं इम्प्रेशंस हैं, मतलब 33 लाख लोगों के सामने मेरी ये वीडियो गई है, जिसमें से 2,30,000 लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद ये देखें कि मुझे यहाँ से इस वीडियो से सब्सक्राइबर कितना मिला है, 11,000 सब्सक्राइबर मुझे सिर्फ इस वीडियो से मिला है। तो आपके लिए समझना इजी हो गया होगा कि आप लंबी वीडियो बनाने का क्या फायदा होता है। तो लंबी वीडियो आपका वॉच टाइम पूरा करा देगी, आपका सब्सक्राइबर पूरा करा देगी, आपका रेवेन्यू मैक्सिमम करवा देगी। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लंबी लेंथ की वीडियो बनाएंगे, छोटी वीडियो नहीं बनाएंगे, रियल कंटेंट बनाएंगे, किसी का कंटेंट नहीं उठाएंगे, अपनी ओरिजिनल वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब कि आपकी यानी कि आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर आपने वीडियो बनानी है, उसमें कोताही नहीं करनी। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, जब हो जाता है तो उस वक्त बंदा अपना स्केड्यूल बना लेता है, तो जब तक नहीं होता तब तक फुल मेहनत करनी है और अपनी वीडियोस के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये एनालिटिक्स क्या चीज है। एनालिटिक्स एक बहुत बहुत जबरदस्त फीचर है यूट्यूब का। मैं इसको कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट फीचर गिवन बाय द यूट्यूबर फॉर द यूट्यूबर्स, कि आप देख सकते हैं अपनी एक एक वीडियो को देख सकते हैं, एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं कि जी ये कितना रेवेन्यू बना रही है मेरी ये वीडियो, कितने इसके ऊपर वॉच टाइम आ गया, एक एक मिनट का आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको देख के।
एक एक मिनट में कितने व्यूज आए हैं मेरी वीडियो के ऊपर, एक एक मिनट में मुझे कितना वॉच टाइम मिला है, एक एक मिनट में मुझे कितना रेवेन्यू मिला है, ये सारा आपको एनालिटिक्स बताता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर समझिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली तब तक के लिए जब तक आप अपना वॉच टाइम पूरा नहीं कर लेते, उसके बाद तो आपको खुद इसकी समझ आ जाएगी और फिर आप खुद ही इसके चीते बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह होप सो कि दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करना, अपनी राय देना मत भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरे दोस्तों तक, मेरे भाइयों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, वो भी आज ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।